हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी वर्क स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लटकन, जिसके लिए हमें चाहिए एक दुपट्टा, 16 चूड़ियाँ, जिसमें हमने आधी आधी चूड़ियाँ कर ली हैं। चलिए हम दुपट्टे में चूड़ी लगा के दिखाते हैं कैसे करना है फटाफट से। यहाँ पर हमने धागे से लपेट लेना है। बिल्कुल बीच में धागे के लपेटना है। इसके बाद हमें कट कर लेना है, कुछ इस तरीके से कट करके, हमें बड़ा करके थोड़ा कट करना है। इस तरीके से हम सारी चूड़ियाँ बना लेंगे। अब इसमें हम चार चार चूड़ियों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आने वाली है कढ़ाई बुनाई और नेक डिजाइंस, पैंट डिजाइन, सब चीज़ की, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक मैं वीडियो पे काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं अब वीडियो पे काम कर रही हूँ, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी कढ़ाई बुनाई की वीडियोस चाहिए। और थाली रुमाल की भी वीडियोस आने वाली है, जिसमें हम मोती लगा के थाली रुमाल बनाएंगे, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर जुड़े रहिए फ्रेंड्स, मेरा हौसला बनाए रखिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दुपट्टे की ही लेस ले रखी है, जिसे मैंने प्रेस करके एकदम सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने लेस आगे की ओर बढ़ा रखी है, क्योंकि वहाँ पर भी एक चूड़ी लगेगी। यहाँ पे चारों जॉइंट करके हमें कैसे क्या करना है आप इसमें देखिए। यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको मोल्ड कर लिया है, ताकि कचरा ना रहे। यहाँ पर हम सुई धागे से सिल लेंगे। कुछ इस तरीके से सिल लेना है। बहुत इजी है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लुक है। मैंने ये वीडियो रात में शूट किया था, इसलिए इसकी क्लैरिटी कुछ अच्छी नहीं आई है, लेकिन देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप ज़रूर बनाइएगा, कोई भी चमकीला दुपट्टा लेके आप बना सकते हैं। और पुरानी चूड़ियाँ घर में पड़ी हैं, बस वही यूज करनी है, और कुछ भी ज़्यादा हमारा पैसा खर्च नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आपने मेरे मोती रुमाल वीडियोस को देखकर बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो आप उसे ज़रूर देखिए और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वो वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब फटाफट से हम नीचे की तरफ भी एक चूड़ी डालेंगे, जो हमने लेस नीचे की तरफ बढ़ा रखी है, वहाँ पर एक चूड़ी लगेगी। हमें दोनों ही टंगन को ऐसे कर लेना है। रेडी हो गया है, वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक टंगन को ऑलरेडी डेकोर कर लिया है। तो यहाँ पर भी हम ग्लू लगा के उससे इसे भी डेकोर करेंगे। यहाँ पर बीच वाले में हम बड़े बड़े सितारे लगा रहे हैं, जिससे इसका लुक ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। फिर यहाँ पर हम जो ग्लू लगा रहे हैं, यहाँ पर हम छोटे सितारे डालेंगे, जिससे इसका लुक बहुत सुंदर आने वाला है। फटाफट से हम इसे कवर कर लेते हैं। अब हम पूरे में इसे कवर करके देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है।